का पोखरण एक बार फिर इतिहास का गवाह बना। यहाँ पर चांदन फायरिंग रेंज में आज ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मौके पर भारतीय सेना और डीआरडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस के एनपीओएम का एक संयुक्त उपक्रम है। जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का संस्करण भारतीय सेना में 2007 से संचालन अवस्था में है। ब्रह्मोस ब्लॉक 3 रूस भारत की एक संयुक्त परियोजना है, जो कि रूस के P-800 ओनिक्स मिसाइल पर आधारित है। इससे पहले भारतीय सेना ने बीते साल 3 मई को ब्रह्मोस ब्लॉक 3 जमीन आधारित क्रूज मिसाइल का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया था। क्रूज मिसाइल का परीक्षण 2 मई 2017 को भी किया गया था। सेना ने कहा था कि मिसाइल ने कॉपी बुक तरीके से सभी उड़ान मापदंडों को पूरा करते हुए सटीकता के साथ सफलतापूर्वक लक्ष्य पर हमला किया। ये लगातार 5वां मौका था जब ब्रह्मोस के ब्लॉक 3 संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। वहीं बता दें कि सेना के मुताबिक भूमि पर हमला करने के मामले में इसकी श्रेणी के किसी अन्य हथियार ने अभी तक ये अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल नहीं की है। रक्षा बयान के मुताबिक लगातार सफलतम परीक्षण ने दुर्जेय हथियारों से मार करने की देश की क्षमता को और मजबूत किया है। 2 मई 2017 को इसी स्थान से लंबी दूरी तक मार करने वाले सामरिक हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।